कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पार्टी कार्यालय को अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया है। ये तस्वीर राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है, गेट है। इस बारे में शक्ति सिंह यादव जो प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है वो आप सुने। जी, आरजेडी कार्यालय आज से बंद हो रहा है, कोरोना के लेके क्या कारण? कोरोना संक्रमण धीरे धीरे अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पटना में 1000 से ऊपर संक्रमित लोग प्रतिदिन पाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में भी अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के मार्गदर्शन में अधिकारियों को संपर्क कर करके यहाँ भी जांच कराई गई। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, सब लोग सुरक्षित हैं। अभी तक संक्रमण की कोई रफ्ते नहीं आई है, लेकिन 8 जो हमारे पोर्टल के साथी हैं जिनका पॉजिटिव आया है, एहतियात के तौर पर हम लोगों ने अगले आदेश तक आदरणीय जगदानंद सिंह जी के निर्देश के आलोक में ये कार्यालय, ये दफ्तर राष्ट्रीय जनता दल का अगले आदेश तक के लिए बंद रहेगा। क्योंकि कोई भी संक्रमित व्यक्ति आने से अगर संक्रमण का खतरा जो बना रहता है, इसको ख्याल किया गया। और हम आप लोगों से भी अपील करेंगे, आप लोगों के माध्यम से आवाम से भी अपील करेंगे कि संक्रमण को ध्यान में रख करके फिजिकल डिस्टेंस का जरूर ख्याल करें, हाथ जरूर धोए, भीड़ से बचे। और चूंकि कोई इंतजामात बिहार के अस्पतालों में नहीं है जहां आप संक्रमितों को बचाया जा सके, ऊपर वाला का मैं मानता हूं कि उनकी कृपा बने रहे ताकि बहुत लोग संक्रमित नहीं हो सके। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोरोना का जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि अगले आदेश तक पार्टी कार्यालय को बंद किया जा रहा है। बता दें कि कई लोग कोरोना संक्रमित भी पाए गए हैं, हालांकि वो पार्टी के कार्यकर्ता नेता नहीं है। बीते दिन पार्टी कार्यालय में कोविड का टेस्ट कराया गया था, बाहरी लोग भी थे और पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी तमाम लोगों का टेस्ट कराया गया, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता तो सुरक्षित है, लेकिन बाहरी 8 लोगों को, जैसा कि आपने सुना कि शक्ति सिंह यादव ने कहा कि 8 लोग जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि हम तो सुरक्षित हैं, लेकिन कोई भी अनजान व्यक्ति पार्टी के अंदर ना आए, संक्रमण को न फैलाए, इसको लेकर फैसला लिया गया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय हो या जनता दल यू का प्रदेश कार्यालय, सभी को बंद कर दिया गया है। जनता दल यू में तो कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय ने उसके बाद बंद करने का फैसला लिया। अब राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अध्यक्ष ने बीते दिन टेस्ट कराया सभी लोगों का, हालांकि सभी लोग नेगेटिव पाए गए। बाहरी लोग 8 लोग जो है जो टेस्ट कराए वो पॉजिटिव पाया। उसके बाद निर्णय लिया गया कि पार्टी कार्यालय को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश जो है वो प्रदेश अध्यक्ष ने दिया। फिलहाल तस्वीर आपको राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय की है, पार्टी कार्यालय को बंद कर लिया गया है, सन्नाटा पार्टी कार्यालय में पसरा हुआ है, कोई भी लोग नहीं आएंगे। कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी लोग इसका पालन करेंगे, एहतियातन बरतेंगे। इसको इतना ही, देखते हैं लंच बिहार। नमस्कार।